हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर लोअर ब्लॉग। दोस्तों गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ देवरिया के डिज्नीलैंड मेला, जो भिकमपुर रोड में संस्कृति मैरिज हॉल के जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो अभी भाई आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ, अंदर क्या क्या सुविधा है, क्या क्या चीजें हैं, वो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ का टिकट कितने का प्राइस का है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट, और एंट्री गेट की दाई बात करें तो काफी शानदार से डेकोरेशन किया गया है और डिजाइनिंग काफी अच्छे से किया गया है। तो अभी मैं आप लोग को पहले एंट्री गेट दिखाता हूँ और फिर टिकट का प्राइस बताता हूँ। तो भाई देख सकते हो कैसा इसका गेट है, जो काफी अच्छे से पोस्टर लगाया गया है और ऊपर तक है, देख सकते हैं आप लोग। और एक अपना देश का शान से तिरंगा फहर रहा है, और देख सकते हैं भाई काफी अच्छी टाइमिंग पे लाइट भी जल चुकी है। ओ भाई साहब, अब देखो भाई क्या व्यू आ रहा है, गजब का है यार, देख सकते हैं। और ये है इसका टिकट रूम, और टिकट रूम है, और इसकी टिकट प्राइस की बात करें तो 10 रुपये है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, 10 रुपये एक पर पैकेज का, 10 रुपये एक लोग का, 10 रुपये इसमें अंदर जाने के लिए, ठीक है। और ये है इनका एंट्री गेट, देख सकते हैं वहाँ पे होता है टिकट चेक, ये जो भैया बैठे हैं ना यहीं पे होगा टिकट चेक, ठीक है। तो अभी भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर। तो भाई अभी चलते हैं डिज्नीलैंड मेला के अंदर, और देख सकते हैं ऊपर लिखा है एसके डिज्नीलैंड मेला। तो अभी भाई चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे होगा आपका जो टिकट लिए वो टिकट चेक, दो लोगों का एक ही है। तो अभी हम भाई टिकट जमा कर चुके हैं, और अभी हमारा एंट्री हो चुका है डिज्नीलैंड मेले में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिक्की माउस भी लगा है, और ये बड़ा वाला झूला भी लगा है, जो मैं झूलने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि भाई उस दिन वीडियो काफी ज्यादा गर्द लग चुका है। और इधर पे आपको यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो देख सकते हैं, और काफी सारी मार्केटिंग लगी हुई है यहाँ पे। तो अभी भाई अंदर चलते हैं और आप लोग अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये है इस मेले के जो मालिक है उनका ऑफिस रूम, और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा मिक्की माउस, जो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ से खेल सकते हैं, और काफी सारे झूले लगी हुई हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि और ये बड़ा वाला झूला, और भी काफी सारे झूले हैं। और देख सकते हैं ज्यादा तो कुछ खास नहीं है भाई, फिर भी आ चुके हैं आप लोग को दिखाने के लिए, जो भिकमपुर रोड में लगा हुआ है, जो देख सकते हैं भाई। और एक ट्रेन वाला ये जो राउंडिंग आता है वो है एक, सो गाइस ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मेला है, देख सकते हैं। और अभी भाई पूछते हैं ये कब से मेला चालू हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो ये आप लोग को बताना जरूरी है। तो अभी पूछते हैं, तो भैया सबसे पहले बता दीजिए कि ये मेला कब से लग रहा है। मेला अब शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, 4-5 दिन। और ये आपका है? हमारा नहीं है। हाँ, कौन सा आपका है? हमारे ये झूला है। अच्छा, इस झूले का प्राइस क्या है? झूले का प्राइस है कि आप झूल ले सकते हैं। कितना रुपया लग रहा है झूलने का, ये झूलने का? 50 रुपया। 50 रुपया, और ये काउंटर रूम आप ही का है? अच्छा, चलिए ठीक है, बताने के लिए आपको थैंक यू। और भाई मैं सबसे जरूरी बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं हर झूले के आगे काउंटर रूम लगा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे है, और एक तो वहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम कर दूं, यहाँ पे है एक, और एक यहाँ पे मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, और एक उधर है देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हर झूले का जैसे काउंटर रूम लगाया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, किसी को जैसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग देख कर ही पता कर लेंगे कि ये इसका कितना प्राइस है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और मार्केट अभी लग रहा है भीड़ वगैरह अभी फिलहाल तो कम ही हो रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को मालूम है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और इधर जाने के बाद आप सबको मिल जाएगा एक फैमिली रेस्टोरेंट। तो अभी पूछते हैं कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या अवेलेबल है। तो भैया बता दीजिए, आपके रेस्टोरेंट में फैमिली के लिए सिर्फ है कि अदर लोगों के भी लिए है? क्या चीज़? इस रेस्टोरेंट में फैमिली के मेंबर भी आ सकते हैं कि अदर लोग भी आ सकते हैं? सभी लोग आ सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या मिल रहा है? क्या क्या? चाउमीन है, फुल्की है, और पापड़ी चाट है, समोसा चाट है।
तो सारी चीजें यहाँ पे आइसक्रीम कल से फ्रीज नहीं आया है। अच्छा फ्रीज नहीं आया था, आइसक्रीम नहीं है, कल मिलेगा। और ये बता दीजिए ये जगह जो खाली है ये किस लिए है, देख सकते हैं गाइस? दुकान लगने वाले कपड़े का सिंगार का। अच्छा अभी भी दुकान लगने वाली है का। अच्छा चलिए ठीक है, तो भाई ये दो अभी जगह जो खाली है इसमें दुकान लगने वाली है, और इधर आप लोग को मिल जाएगा सुपर मार्केट। जो भाई यहाँ का रूल हम लोग ट्राई कर चुके हैं जो बर्बाद हो चुके हैं इसमें, क्योंकि अगर आप लोग को ये जो बॉल दिख रहा है आप लोग को वो पांचों गिलास को एक साथ गिराना है, तो आप जो आप ये चाहें वो ले सकते हैं, तो पांचों तो गिरने वाला नहीं है। और इधर भी है एक सुपर मार्केट जो देख सकते हैं, इसका रूल है कि इसमें से जो नंबर आएगा तो वहाँ पर देखते हैं सारे नंबर पर टैपिंग की गई है, उस पर एक पोस्टर चिपकाया गया है, जो नंबर आएगा उसमें से आप ले सकते हैं। और इधर पर काफ़ी सारे सामान है, और वहाँ पर गाइस अचार है जो आप लोग ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मेला है, आप लोग आइए एक बार ट्राई करिए। तो भाई यही है कुछ देवरिया डिज्नीलैंड मेले का लुक, जो अंदर का व्यू कैसा है आप लोग देखे ही है। भाई यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ हुई है, फिर भी कोई बात नहीं, भीड़ आगे चल के ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा होगा तो फिर आप लोग को मैं दिखा दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। और यहाँ पे बड़ा वाला झूला भी लगा है, और सबसे अच्छी बात मुझे सबसे अच्छा लगा है ये वाला, भाई देख सकते हैं कैसे घूम रहा है ऊपर नीचे देख सकते हैं जैसा कि, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इधर पे हवाई जहाज़ वाला ये झूला चालू हो चुका है, जो राउंड मार रहा है, जहाज़ का लुक दिया गया है और कार का भी लुक दिया है, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं इस ब्लॉग को कर देता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।